कहता है मान लीजिए एक्स मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है आपको, एक्स इंटेंट पावर थ्री इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स टेन पावर थ्री है। अगर आपको एक्स मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है, एक्स मिली इक्वलन वेट पर लीटर इंटू मिली इक्वलन वेट ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है, तो बोलते हैं एक्स मिली इक्वलन वेट पर लीटर इक्वल्स टू एक्स मिलीग्राम पर लीटर अपॉन इक्वलन वेट ऑफ एक्स, ये भी ठीक है। फिर कहता है एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, अगर एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई बोले तो बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई इक्वलेंट मिलीग्राम पर लीटर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मिलीग्राम पर लीटर इक्वल वेट ऑफ वाई अपॉन इक्वल वेट ऑफ एक्स, इक्वल होगा एम जी टू प्लस कंसेंट्रेशन पूछ रहा है तो बोलेंगे 24 मिलीग्राम पर लीटर है। व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच सी थ्री इक्वलेंस, तो बताइए कंसेंट्रेशन क्या होगा वैल्यू इक्वलेंस सी एच सी थ्री का। तो एक्स दे रखा है मिलीग्राम एम जी की पावर में 2 प्लस, वाई दे रखा है सी एच सी थ्री, कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच सी थ्री इज द इक्वलेंस मिलीग्राम पर लीटर द कंसेंट्रेशन ऑफ एम जी टू प्लस इंटू इक्वलेंट वेट ऑफ ए सी एच सी थ्री एंड इक्वलेंट वेट ऑफ ए एम जी टू प्लस, ये बनता है। फिर कहता है 24 × 50, बोलता है इक्वल वेट ऑफ सी ओ सी थ्री आपको 50 आता है। कैसे निकालते हैं, मॉलिकुलर वेट को इसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके। मैंने शुरुआत में फॉर्मला लिखवा दिया था ऊपर में कि इक्वल वेट निकालना तो फॉर्मूला होता है सी ओ सी थ्री का मॉलिकुलर वेट जो कि 100 है, इसकी वैलेंसी है जो कि 2 है, तो आंसर आ रहा है 50। फिर लिख रहा है इक्वल वेट ऑफ एम जी टू प्लस, फॉर्मूला होता है एम जी का मॉलिकुलर वेट है 24, 24 डिवाइड बाई 12, 2 करेंगे तो 12 आएगा। फिर यहाँ लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ एम जी टू प्लस, तो हमारे पास क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन था कितना है, जो है वैल्यू हमने वो पुट कर दिया, सॉल्व करेंगे उससे निकल गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सी एच सी ओ थ्री का इक्वल वेट ऑफ 1 मिलीग्राम पर लीटर निकल गया, 100 मिलीग्राम पर लीटर एज ए सी एच सी ओ थ्री आंसर है। अगला कहता है हमारे पास कि इक्वल वेट ऑफ सी एच सी ओ थ्री कितना है, तो बोलेंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ सी एच सी ओ थ्री है अपन वैलेंसी है, निकाल दिया हमने 50। अब कहता है अगर हमको एसिडिटी पूछेगा तो बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ वाटर टू अ न्यूट्रलाइजिंग द बेस, जितना कैपेसिटी हो वाटर का ताकि वो बेस को न्यूट्रलाइज कर सके ड्यू टू एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, जब हम कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन को हम लोग बढ़ाते हैं तो एसिडिटी विल बी ऑब्जर्व, तो हमें एसिडिटी मिलती है। द टू टाइप्स ऑफ एसिडिटी बोलता है, एक मिनरल एसिडिटी जिसकी वैल्यू होती है 0 से 4.2 के बीच में ड्यू टू एक्सेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास मेटल आयन होती है। दूसरा होता है कार्बोनिक एसिडिटी जिसको बोलते हैं 4.3 से 8.2 pH, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। कहता है ड्यू टू द एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ सी ओ टू एंड सी ओ टू या एच टू ओ बोलेंगे वैल्यू आती है एच टू सी ओ थ्री, वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस बनता है। एच सी ओ टू प्लस एच टू मिलने से एच टू सी ओ थ्री बनता है, जिसको बोलते हैं वीक एसिड हो या बोलेंगे वीक बेस हो, एच प्लस होगा एच ओ थ्री एच सी ओ थ्री माइनस वन होता है, ये एसिड और बेस बनता है। द एसिडिटी इज अ काउजिंग द क्रोजन द ट्यूबर क्लोसिस प्रॉब्लम, अगर आपके पानी में एसिडिटी बढ़ जाती है तो आपको ट्यूबर क्लोसिस यानी टीबी की प्रॉब्लम बीमारी हो जाती है। माइक्रो प्रोजेक्शन इनसाइड द पाइपलाइन, इससे हमें माइक्रो प्रोजेक्शन करना पड़ता है पाइपलाइंस में। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड वोल्टी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 मिलीग्राम पर लीटर की इक्वल होती है एज सी एस सी ओ थ्री ऑफ इक्विवेलेंस, ड्रिंकिंग वाटर वैल्यू कितनी होती है बोलते हैं 50 मिलीग्राम पर लीटर से कम होती है एज ए सी एस सी ओ थ्री की इक्विवेलेंस में। मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी, अगर हमें एसिडिटी मेजर करना है तो बोलेंगे टाइट्रोमेट्रिक मेथड टाइट्रेन कहलाता है, जिसको बोलते हैं एन ए ओ एस सोल्यूशन है 0.02 N है। इंडिकेटर क्या कहलाता है, बोलता है मिथाइल ऑरेंज है पिंक टू येलो कलर बनाता है। फिर बोलते हैं पाइप फिनोप्थिलीन है जिसको येलो टू वो पिंक कलर बनाएगा, बोलते हैं फॉर 0.02 N बोलेंगे 0.02 टाइम्स ऑफ 40 अपॉन 1 लीटर ऑफ ए ड्रिंकिंग वाटर इक्वल्स टू 0.8 मिलीग्राम ऑफ इन लीटर। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल एसिडिटी की फॉर्मूला होती है मिलीग्राम पर लीटर एज ए सी एस यू थ्री इक्वलेंस, तो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम इंटू नॉर्मलिटी इंटू इक्वलेंट वेट ऑफ ए सी एस यू थ्री इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए वाटर सैंपल अपॉन टेस्टेड इन ml, तो फॉर्मूला बनाते वी का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ ए टाइट्रेंट कंज्यूम इन मिलीग्राम मिलीलीटर, एन का मतलब हो गया स्ट्रेंथ ऑफ ए टाइट्रेंट इन नॉर्मलिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया अल्कलिनिटी का फॉर्मूला होता है कैपेसिटी ऑफ वाटर टू अ न्यूट्रलाइजिंग द एसिड, कितना कैपेसिटी वाटर का है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। काउज बाय द ओ एच माइनस आयन पी एच वैल्यू 10 के इक्वल, उसको बोलते हैं प्री डोमिनेंट है। सी ओ थ्री टू माइनस आयन जो बोलते हैं 8.3 से पी एच की वैल्यू 10 के लगभग में है, इसको प्री डोमिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एच सी ओ थ्री माइनस आयन 4.3 से पी एच की वैल्यू 8.2 के बीच में, इसको हम लोग प्री डोमिनेंट बोलते हैं। टोटल अल्कलिनिटी वैल्यू होती है ओ एच माइनस ओ एच माइनस 1 और सी ओ थ्री टू माइनस और सी ओ थ्री टू माइनस CO3 2 माइनस HCO3 माइनस 1 HCO3 माइनस 1।
देन टोटल अल्कलिनिटी होती है ओ एच माइनस वन सी ओ थ्री टू माइनस वन एच सी ओ थ्री माइनस वन. इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है? बिहेव एज अ सेपरेटिंग एज ओ एच माइनस वन एच सी ओ थ्री माइनस वन. ये काम करता है इस ढंग से जैसे ओ एच माइनस वन या एच सी ओ थ्री माइनस वन. बोलते हैं ओ एच माइनस वन प्लस एच सी ओ थ्री माइनस वन बनता है सी ओ थ्री टू माइनस वन प्लस एच टू ओ बनाता है. कहता है अल्कलिनिटी इक्वल्स टू होती है फॉर्मूला में एच सी ओ थ्री इन मिलीग्राम पर लीटर, इक्वलन वेट ऑफ सी एस सी ओ थ्री इक्वल वेट ऑफ है एच सी ओ थ्री, एंड सी ओ थ्री इन मिलीग्राम पर लीटर इक्वल वेट ऑफ है सी एस सी ओ थ्री इक्वल वेट ऑफ है सी सी ओ थ्री. वैल्यू आती है एच सी ओ थ्री माइनस वन इंटू फिफ्टी अपॉन का सिक्स, सी ओ थ्री टू माइनस वन फिफ्टी अपॉन का थर्टी, आंसर आ जाता है. अब नेक्स्ट आता है आपका अल्कलिनिटी काउजेज. अल्कलिनिटी किन किन कारणों से होता है? तो कहेंगे स्केलिंग प्रॉब्लम्स हैं, यानी इनक्रस्टन प्रॉब्लम्स है. ड्यू टू द स्केलिंग प्रॉब्लम सम टाइम द मटेरियल लॉसेज इट्स स्ट्रेंथ. कभी कभी ऐसा होता है कि मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है. ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड होते वैल्यू 250 मिलीग्राम पर लीटर एज ए सी एच यू थ्री. फिर कहता है मेजरमेंट ऑफ अल्कलिनिटी वैल्यू आती है टाइट्रोमेट्रिक मेथड आता है. फिर आता है टाइट्रेंट इज H2SO4.02N.